हेलो, नमस्कार। सो नवरात्रि के फलाहारी भोजन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने फिर से हूँ और आज आपको मैं एक नए तरीके के व्यंजन के बारे में बताऊंगी जो कि आप किसी भी व्रत में बना सकते हैं। वो है आलू का हलवा। शायद आपने पहले ना सुना हो, पर ये मिष्ठान है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। बस बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आलू चाहिए इसके लिए, बाकी मैं अभी नहीं बताऊंगी। आप मम्मास किचन में चलिए, तब आपको सब चीज़ सारी जानकारी मिलेगी। ये भोजन हम नवरात्रि में बना रहे हैं और आपका जब भी व्रत हो या व्रत ना भी हो तो भी आप इसको बना के सबको खिला सकते हैं। नवरात्रि में के दिनों में तो नौ देवियों का व्रत रखते हैं, जिसमें कि मेरे भी व्रत चल रहे हैं। उसी की श्रृंखला में मैंने आज आलू का हलवा बनाया है। आज ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है और उनको हरा कलर बहुत पसंद है, आप देख सकते हैं। एंड आज उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है, मतलब चीनी का। तो चलिए, ब्रह्मचारिणी देवी के से यही कामना करते हैं कि सबके दुखों का निवारण करें, सबको सुख समृद्धि दें और हमारे जीवन से कोरोना को हमेशा के लिए हटा दें। जय माँ ब्रह्मचारिणी देवी। सो लेट्स मूव टू मम्मास किचन टू व्यू आलू का हलवा। वेरी टेस्टी इट इज। चलिए चलते हैं। आलू का हलवा नवरात्रि स्पेशल की डिश है। इसके लिए हमने 6-7 आलू लिए बॉयल्ड और उनको मैश कर लिया खूब अच्छे से। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं आलू 5-6, 2 चम्मच घी और खरबूजे के बीज, ड्राई फ्रूट्स, एक बॉल मिल्क, 2 चम्मच छोटी कढ़ाई रखेंगे गैस पे और इसमें हम थोड़ा घी, जैसे कि हमने डाला 1 स्पून एंड 1 मोर स्पून मीन्स 2, ये आलू का हलवा बहुत ही स्वाद बनता है। मेरी मम्मा ने मेरे को सिखाया था, तब से हम लोग हमेशा ही, खाली व्रत ही नहीं और भी कभी भी मन करता है तो हम बना लेते हैं, बट व्रत में तो इट इज यम। अब देखिए, मैंने ये आलू जो मैश करे थे अभी आपको दिखाए थे वो मैंने इसमें डाल दिए। बस सारी कलाकारी इसको भूनने में है। और मेक श्योर दैट देयर आर नो लम्स इन द पोटैटो। दबा दबा के इसको स्लो गैस पे भूनना है जब तक ये बिल्कुल ब्राउन ना होने लगे। इट टेक्स अ बिट टाइम, बट स्वादिष्ट खानी है चीज तो इतना तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, है ना। शाम को जब आप खाना बनाए व्रत का, तब उसके संग मीठा कुछ चाहिए होता है तब भी बना सकते हैं। आप वर्किंग है, आपको स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, यू कैन टेक इट इन द टिफिन ऑल्सो। जो साइड में लगता जाता है उसे हम क्रश्ते जाएंगे। इट शुड बी स्क्रैप्ड वेल। देखिए ब्राउन थोड़ा थोड़ा सा निकलने लगता है। ये देखिए खरबूजे के बीज लिए मैंने 1 चम्मच एंड 2 आलमंड्स एंड 1 कैशू नट्स। ज़्यादा नहीं डाले हैं, आपको अगर ज़्यादा हलवा बनेगा आपका तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। एंड इलायची 1 पिसी हुई। इस बीच हमारा आलू भुने जा रहा है बढ़िया। देखिए काफ़ी ब्राउन, हद तक ब्राउन हो चुका है।
इसमें अब हम 1 बोल मिल्क डालेंगे और फिर स्वाद अनुसार चीनी। अभी दिखाती हूँ मैं कैसे करना है। इस बीच मैंने बादाम और काजू काट लिए थे, अब पहले हम इसमें ये दूध डालेंगे। इसको गैस को हम तेज कर देंगे और थोड़ी सी चीनी, मतलब ये वाला स्पून भर के 1। ऑयल आ जाए, बॉयल आने तक चलाते रहेंगे इसको, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। दिस इज सुपर टेस्टी हलवा, आलू का हलवा। अब आपने देख लिया है तो अब आप बार बार बनाएंगे। देसी घी में बनाए तो स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है और अब तो इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लगी है। नवरात्रि का त्यौहार कितना सुहाना होता है, पूरे एटमॉस्फेयर में ऐसा लगता है कि आपने जो धूप बत्ती जलाई है, जो लॉन्ग चढ़ाई है, उसकी खुशबू फैली हुई है। और इस समय मौसम भी बहुत ही अच्छा हो जाता है, बल्कि की ठंड शुरू हो जाती है सुबह शाम की और पंखे भी कम चलते हैं, तो इस मौसम के इतने आनंदमय वातावरण में जब आप व्रत रखेंगे और ये बनाएंगे, ईश्वर की अनुकंपा आपसे हमेशा बनी रहेगी। व्रत में ही बनाएं, ऐसा जरूरी नहीं होता है, आपका जब मन करे तब बनाइए, पर व्रत में इसका स्वाद बिल्कुल निराला होता है। देखिए गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा हम इसमें मिलाएंगे और बाकी ऊपर से गार्निश करने के लिए मिलाएंगे। तो हलवा आलू का एक रेडी, एक बार जरूर ट्राई करिएगा और बनाइएगा। इसको अब हम सर्व करते हैं। नवरात्रि का स्पेशल आलू हलवा रेडी है, इसको अब हम गार्निश करेंगे। थोड़े से जो बीज हमने बचा के रखे थे खरबूजे के, उनसे एक बादाम लगा देंगे बीच में और इस तरीके से हम देवी माँ का प्रसाद हमने बना लिया और इसी से हम भोग लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और आप चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के डाल सकते हैं। This is very tasty and also good to eat. Thank you. Yummylicious, tasty, easy to make aloo halwa is ready. Thank you guys for everything. बनाइए, खिलाइए और बताइए. Especially your comments and subscription also. So please do like, share and subscribe my channel Mama's Kitchen. And please don't forget to hit the bell icon for the new updates. और फिर आपको याद है ना, कमेंट करना ना भूलें। आजकल आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, शायद ज्यादा बिजी हैं, पर फिर भी समय निकाल के कमेंट जरूर करें। थैंक यू।